महामहिम राज्यपाल के आगमन का बिगुल फूंक किया है। राज्यपाल पहुंच चुके हैं। आठ दिनों से इंतजार किया जा रहा था, बस राज्यपाल जी आगे स्थान पर विराजमान हो रहे हैं और कुछ देर में अभी राष्ट्रगान होगा। राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? कौन ये लोग महोदय? नियुक्त मंत्री द्वारा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय कृपया अब आप नियुक्त मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो को पद की शपथ ग्रहण कराएं। देखिए सुनील, कमलनाथ टीम में पहले नंबर की मंत्री हैं विजय लक्ष्मी साधु, काफी सीनियर मंत्री हैं। दिग्विजय सिंह सरकार में ही मंत्री अभी पहली सफल को दिलाई जा रही है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु ईश्वर की शपथ लेती हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अरे भैया, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुमान या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। महोदय कृपया अब आप नियुक्त मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु को गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री सज्जन सिंह वर्मा, ये नंबर दूसरे मंत्री हैं, दो नंबर रिसेप्शन का नंबर। मैं सज्जन सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सज्जन सिंह वर्मा
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे घात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हुकुम सिंह कराड़ा। हुकुम सिंह कराड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं दिल्ली द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। हुकुम सिंह कराड़ा ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो कि विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर गोविंद सिंह। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं दिल्ली द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की जनता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बाला बच्चन। मैं बाला बच्चन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बाला बच्चन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री आरिफ अपील। मैं आरिफ अपील ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा। मैं आरिफ अकील ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अतः मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कब की सेवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयपूर्व निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृति ज्ञापन कर नहीं करूंगा। श्री विजय सिंह राठौर। मैं ब्रजेंद्र सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पूर्वता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेंद्र सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रदीप जायसवाल। मैं प्रदीप जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रदीप जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री लाखन सिंह यादव। मैं लाखन सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लाखन सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री तुलसीराम सिलावत। मैं तुलसीराम सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राष्ट्र के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तुलसीराम सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गोविंद सिंह राजपूत।
मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य और सत्तापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुभव या द्वेष के बिना सभी प्रकार के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती इमरती देवी मैं इमरती देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं शक्ति नेता से ज्ञान करती हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रति प्रभुता और अखंडता रक्षा रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सिद्धा रूप और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात के अनुसार अनुराग यह देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं इमरती देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो सत्य विधि मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सत्ता निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षित रूप से सासूचिता या प्रत्यक्ष नहीं करूंगी। श्री ओमकार सिंह मरकाम मैं ओमकार सिंह मरकाम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओमकार सिंह मरकाम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रियव्रत सिंह। मैं प्रियव्रत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रियव्रत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुखदेव पांसे। मैं सुखदेव पांसे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुखदेव पांसे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री उमंग सिंह। मैं उमंग सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्यप्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं उमंग सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्यप्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एडवोकेट हर्ष यादव। मैं हर्ष यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति
या व्यक्तियों को तब की सभा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षा हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जयवर्धन सिंह मैं जयवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समवैत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जीतू पटवारी मैं जीतू पटवारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतर्करण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतू पटवारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जब तक कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समवैत निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कमलेश्वर पटेल मैं कमलेश्वर पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश्वर पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री लखन घनघोरिया मैं लखन घनघोरिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखन घनघोरिया ईश्वर की शपथ लेता कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया संजू भैया मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विषय मध्य प्रदेश राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अस्पष्ट रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पीसी शर्मा मैं पीसी शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीसी शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रद्योग सिंह तोमर स्टाफ का आदमी है हमारे स्टाफ का प्रद्योग सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सचिन सुभाष यादव मैं सचिन सुभाष यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुणता रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सचिन सुभाष यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएंगे अथवा मुझे ज्ञात होंगे
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समन्वय निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल। मैं सुरेंद्र सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध करण अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का संदेह निर्वाह के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री तरुण भनोत। मैं तरुण भानोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तरुण भानो ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मुझे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ग्रहण के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदया सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों को पुष्पगुच्छ के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदया, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने की क्या आपकी अनुमति है? मैडम आ जाइए, मैडम मैडम आ गया नहीं, मैडम दिख नहीं रही मैडम। धन्यवाद। अट्ठाईस विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री पद के रूप में शपथ ली है। स्वराज एक्सप्रेस की खबर पर बड़ी मोहर लगी, 28 नामों को स्वराज एक्सप्रेस ने पहले ही फाइनल किया था और वही 28 नाम जिन्होंने कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ ली है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये बड़ी खबर, कमलनाथ मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। 28 नामों को लेकर स्वराज एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया था वही नाम, इस बात पर मोहर लगी। स्वराज एक्सप्रेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी। अनिल सिंह कुशवाहा स्टेट ब्यूरो हेड हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, वही 28 नाम जिनको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था लेकिन स्वराज एक्सप्रेस ने पहले ही ये नाम फाइनल कर दिए थे, उन पर ही मोहर लगी और उन्हीं विधायकों ने शपथ ली है। देखिए सुनील, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लगातार जिन नामों का जिक्र कर रहे थे वही नाम आज मंत्री के रूप में सामने आए हैं और आज सुबह हमने ये पूरी सूची 28 की एग्जैक्ट घोषित कर दी थी और ये 28 नाम जिनमें 6 ऐसे विधायक हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं दिग्विजय सिंह सरकार में, उनको दोबारा मंत्री बनाया गया है, फिर से मौका दिया गया है, फिर से कांग्रेस उनका
लाभली की, जबकि 22 विधायकों को पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला है और ये सभी नाम 28 कुल मंत्री हैं जिनमें 22 पहली बार मंत्री बन रहे हैं और 6 पहले भी मंत्री रह चुके हैं। सुनील एक बात और है, विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, इसका जिक्र हम अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, एनपी प्रजापति होंगे विधानसभा के अध्यक्ष, ये कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है और उनको विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया है। एक चुनाव की एक फॉर्मेलिटी निभाई जाएगी जो 7 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। दूसरी प्रमुख खबर सुनील यह भी आ रही है कि कमलनाथ ने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई है और यह बैठक मुख्यमंत्री निवास में नहीं होगी, यह बैठक मंत्रालय में नहीं होगी, यह बैठक प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में शाम को 5 बजे होगी। यह भी अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है और इसके पीछे निश्चित तौर पर संदेश यही देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह सरकार है, कांग्रेस का महत्व कहीं ना कहीं इसमें दिखाया जा रहा है, इसीलिए कैबिनेट की बैठक ये पीसीसी में बुलाई जा रही है शाम को 5 बजे। ये सुनील बिल्कुल अनिल जी, जाहिर तौर पर और ऐसा पहली बार हुआ है, हमारे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, ऐसा पहली बार हुआ है जब सभी मंत्रियों को कैबिनेट की शपथ दिलाई गई है, ये तो दोगुनी खुशी इन लोगों के लिए। निश्चित तौर पर ये कहा जाए, सुनील की एक कहावत है, बघेल घर में सब धान बाई पसेरी, सभी एक जैसे, यानी जूनियर सीनियर, आपने देखा होगा अनिल, आपने भी देखा होगा कि जो शुरू में जिनने कैबिनेट मंत्री के पद में सीनियरिटी के अनुसार शपथ ली और जब उन्होंने देखा कि 15 के बाद भी सभी केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ ले रहे तो उनके चेहरे धीरे धीरे बुझते गए। मैंने खुद देखा।